नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमने जो ये स्टैंड बनवाए हैं, बेड बनवाए हैं, ये किस किस तरह से इनका प्रोसेस था और कैसे कैसे हमने इनकी मिट्टी को तैयार किया था। बल्कि आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि हमने सर्दियों की जो वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो कैसे लगानी हैं और उनके सीड्स को कैसे आपको शो करना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपकी मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मेरे ये जो बेड हैं बिल्कुल रेडी हैं इनमें बीज लगाने के लिए। और इससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमने जो मिट्टी इनकी तैयार करी थी उसमें नॉर्मल गार्डन सोइल 70% ली थी हमने, और 30% गाय के गोबर की 2 साल पुरानी खाद ली थी। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इनको भर लिया है और लगभग 8 दिन इनको छोड़ा है हमने ऐसी ही मिट्टी को अच्छी तरह सूख देने के लिए। ये देखिए, अब जो मिट्टी है हमारी वो बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है और बिल्कुल सूख चुकी है। इसका कारण है छोड़ने का कि इसमें जितने भी कीटाणु होते हैं या कीट होते हैं जो भी हैं वो सारे इनके मर जाते हैं, तो आगे चल के हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है और मिट्टी भुरभुरी हो गई है अच्छी तरह से, ये देखिए। और हमने इस बेड को बिल्कुल प्लेन कर दिया है, जो इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो डले थे वो, ये देखिए, ये डले हमने बिल्कुल अलग कर लिए हैं, इनमें से हटा दिए हैं। क्योंकि उसका कारण है, अगर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, अगर कोई बड़े डले के ढेरे के नीचे कोई सीड्स दब जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसी कारण से हमने इनको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है सरफेस को, और आप देख भी सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गया है। जितने भी हमारे बेड हैं सारे के सारे बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, ये देखिए। और ये सात्विक भी हमारी हेल्प कर रहा है, ये देखिए, ये भी लगा रहता है पूरे दिन इस काम में और अच्छा लगता है मुझे काफी, ये देखिए। तो अब ये बेड बिल्कुल हमारा बनकर तैयार है सारे के सारे। अब इसमें हमने अपने बीज लगाने हैं, और बीज लगाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो हमने ये किया है कि जिस जिस में जो बीज आपको लगाना है वो हमने पैकेट उसी में रख दिया है, जिससे कि आसानी हो, कोई दुविधा ना रहे कि बीज कहाँ लगना था कहाँ लग गया। तो अब ये टाइम आ गया है बीज को लगाने के लिए, और सबसे पहले हम लगाएंगे पालक का और चौलाई का बीज। तो आपको दिखाते हैं कैसे पालक और चौलाई लगाया जाता है। और ये चौलाई के सीड्स हैं, ये देखिए, और काफ़ी बारीक बारीक होते हैं ये सीड, ये देखिए बिल्कुल काले काले और छोटे छोटे सीड्स हैं। और इन सीड्स को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है ताकि जो बीज हैं वो अलग अलग रहें, पास पास ना रहें, ये देखिए। अगर ज़्यादा पास पास बीज रहेंगे तो आगे चल के जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएगा। अब इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी करनी है आपको, ये देखिए ऐसे, ज्यादा इसको नहीं ढकना है सीड्स को, काफी छोटे छोटे बीज हैं तो ये ज्यादा ढक जाएंगे तो जर्मिनेट में इनमें काफी दिक्कत होगी। तो इनको हल्के हाथों से आपने हल्की हल्की मिट्टी से ढक देना है बस। ये अब हमारे पालक के बीज हैं, अब हम इन्हें बोएंगे साइड साइड, जैसे हमने हरी चौड़ाई वो बोई थी, ये देख सकते हैं। और अब हम पालक को लगा रहे हैं, और पालक को भी सेम प्रोसेस है लगाने का, हल्के हल्के इसको स्प्रिंकल करना है, फिर इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे और इस पे हल्की मिट्टी को स्प्रिंकल कर देना ऐसे ही। और
और इसमें हम दो लाइन बीच में गाजर की लगाएंगे और साइड में एक लाइन ऐसे शलजम की लग जाएगी, एक लाइन इधर लग जाएगी और एक लाइन इधर लग जाएगी और बीच में दो लाइनें गाजर की इसमें लगाएंगे। लाइन से लगा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस ज़रूरी है। ये देखिए, ये गाजर का बीज है। देखिए इसको एक एक करके लगभग लगभग 2 से 3 इंच के फासले पर आपको डालना है। एक एक सीड्स डालेंगे, 2-3 दिन डल जा रहे हैं, काफ़ी बारीक हैं सीड, तो 2-3 दिन इसमें डल जा रहे हैं, तो बाद में हम इनको सेपरेट कर देंगे। फिर हम इनको मिट्टी डालेंगे, फिर इनमें हम पानी डालेंगे। अब इसको हमने हल्के से इसको ढक देना है। ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे जो सीड्स हैं हम लगा रहे हैं एक एक करके। अरे देखिए, फिर हम गाजर के साथ ये शलजम बोएंगे आदि। हाँ जी, और लगभग सेम सा ही प्रोसेस रहता है, जितने भी ये लीफी वेजिटेबल्स हैं या गाजर है, चुकंदर है, सबका सेम प्रोसेस। हल्का हल्का मिट्टी में आपको बीड को दबाना है और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी स्प्रिंकल कर देनी है। तो ये हम सारा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। चुप रहो। और ये सीड्स हैं शलजम के, ये देखिए, इनको पहले प्रमाणित किया गया है ताकि इन पर कोई बैक्टीरिया ना लगे या कोई फंगस ना लगे सीड्स में। ये देखिए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं जी। हाँ, तो इनको भी लगाते हैं आइए। और ये सीड्स हैं देखिए, मूली के, जो रेड वाली मूली है उसके ये सीड्स हैं। ये देखिए, इनको भी कोट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सीड्स। सारे सीड्स मुझे जो ये बाय किए थे मैंने, ये सारी क्वालिटी इनकी ठीक लग रही है, बाकी तो जर्मिनेट होने के बाद पता लगेगा। आइए इनको भी लगाते हैं। तो सारे बीज लगकर दोस्तों तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, सब लगा दिए हैं, अब वाटरिंग की बारी आई है। इन पर पानी देना है फुहारे से, और पहली बार थोड़ा ठीक सा पानी देना है ताकि बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएं। ज़्यादा भी नहीं देना और हल्का भी नहीं देना, और जब तक ये जर्मिनेट ना हो सीड्स, इसमें हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए, बिल्कुल मिट्टी ना सूखे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब लगभग हमारा काम बिल्कुल तैयार हो गया है। ये जब ये जर्मिनेशन शुरू होगा तब हम इसकी अपडेट आपको ज़रूर देंगे। तो अभी तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।